ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सारा दिन संसार को देखते हैं, विशेष रूप से जिन मनुष्यों के हम संबंध में और समीपता में रहते हैं उनके प्रति हमारी दृष्टि क्या है, इसका इफेक्ट हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। हमारी खुशी इससे प्रभावित होती है, हमारी एकाग्रता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। हमें चेक करना है, मान लो आपके आसपास 10 लोग हैं, आपके अपने क्लोज रिलेटिव हैं या आपके साथ काम करने वाले हैं, संपर्क वाले हैं, उनके प्रति हमारी दृष्टि कैसी है। किसी को देखकर हम सोचते हैं ये बड़ा खराब व्यक्ति है, किसी को देखकर सोचेंगे इसने हमारे जीवन को नष्ट कर दिया है, किसी को देखकर सोचेंगे इस ये कभी नहीं बदलेंगे, किसी को देखकर घृणा नफरत आएगी, किसी से ईर्ष्या होगी, किसी को देखकर क्रोध आएगा और किसी को देखकर बदले की भावना। ये सब भावनाएं हमारे चित्त को प्रभावित करती हैं। जैसी हमारी भावना होती है वैसा ही रेस्पॉन्स दूसरों से मिलता है, वैसे ही वाइब्रेशंस दूसरों से हमारी ओर आते हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं। हमने दूसरों को बदले की भावना से देखा जिसमें क्रोध छुपा हुआ है, तो उस व्यक्ति के मन में भी हमारे प्रति निगेटिविटी होगी, वो वाइब्रेशन हमको आएंगे, हमारी एकाग्रता को नष्ट करेंगे। किसी को देखकर हमारे मन में खिन्नता हुई, इसने मेरा जीवन नष्ट कर दिया, इसने मेरी सुख शांति छीन ली, यही सबसे बड़े विघ्न है मेरे मार्ग में, तो उसके मन में भी हमारे लिए निगेटिविटी उठेगी। वो भी हमें किसी ना किसी अवगुणी दृष्टि से देखेंगे और उसकी वाइब्रेशंस हमको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करेंगे, हमारी हर चीज को प्रभावित करेंगे। तो हमें चाहिए, हम भगवान के बच्चे हैं, हम महान आत्माएं हैं, हम इष्ट देव देवियां हैं, हम सबके पूर्वज हैं, हमसे तो सबको प्यार और शुभ भावना ही जानी चाहिए। जिसे देखें उसे हमसे प्यार मिले, जिस पर हमारी दृष्टि जाए उसे हमसे शुभ भावनाएं प्राप्त हों, ये हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी। और जब दूसरों से रिटर्न आएगा वो भी ऐसा ही आएगा जो हमारे चित्त को शांति और प्रसन्नता से भरेगा, जो हमारी एकाग्रता को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। जिसके प्रति भी हमारे मन में निगेटिव भावनाएं हैं, आज से उसे आत्मा देखने की प्रैक्टिस करेंगे, इस संकल्प के साथ कि ये भी शिव बाबा की संतान बहुत अच्छी आत्माएं हैं, वर्तमान में किसी विकार के कारण या हमारी किसी गलती के कारण उनकी ये स्थिति हुई है, पर है तो ये बहुत अच्छी आत्मा, जस्ट एक सेकंड प्यार की फीलिंग ले आए, ये भी हमारे अपने हैं, इनका भी कल्याण हो, इनकी भी उन्नति हो, इन्हें भी सद्बुद्धि प्राप्त हो, इनका जीवन भी निर्विघ्न बने, ये आगे बढ़े, ऐसे संकल्प सचमुच हमारी महानता है और ये हम ही कर सकते हैं। संसार में तो मनुष्य एक दूसरों को विष पान करा रहे हैं, उनकी दृष्टि से भी विष, उनके मुख से भी विष उगलता है। हमें अमृत बरसाना है, हमसे लोग शीतलता के छींटे चाहते हैं, हम हर तपती हुई आत्मा पर शीतलता के छींटे डालते चलें और वो होगा हमारी प्रेम और शुभ भावनाओं की दृष्टि से। तो आइए आज सारा दिन हम अपने स्वमान में रहें, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, सबको देने वाली इस देवी इस देव हूँ, और अभ्यास करें मुझ आत्मा से सबको
प्रेम और सुभावनाओं के सुखद वाइब्रेशंस जा रहे हैं। आत्मा देखेंगे सबको, मेरे चारों हजार आत्माएं खड़ी हैं और मुझसे ये फाउंटेन सब पर पड़ रहा है, सब सुखी हो रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।